केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस वार्ता कर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को उम्मीद के साथ वोट दिया, लेकिन नागरिकों के ऊपर टैक्स डाला जा रहा है, मित्रों को मालामाल किया जा रहा है। जो सच बोलते हैं उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है। हमने कभी भी आतंकवाद या देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं की। हमने जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की यूपीए सरकार के वक्त हमने एक चुनावी घोषणा पत्र बनाया था, तो सोनिया गांधी जी खुद उसका मॉनिटरिंग करती थी। हमने कहा था कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लाएंगे, जो एक सांसद या विधायक सवाल पूछ के जवाब ले सकता हो, एक आम नागरिक भी सवाल पूछने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन में दिया। ने कहा कि 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे, उन्होंने शुरू किया वहां पर। हम कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे, हिमाचल में सरकार बनी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर